पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिंपल अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं, एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, वो एनर्जी जो एक बॉडी में पोजीशन के चेंज होने की वजह से आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोजीशन याद रखे अगेंस्ट द फील्ड चेंज होगी, कहां पे चेंज होगी, अगेंस्ट द फील्ड चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी के टोटल तीन टाइप्स है, एक आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड आपके पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाता हूं। ये हमारी जमीन है, इस जमीन के ऊपर यहां पे एक ग्लास पड़ा था, ये एक ग्लास है, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि ये जमीन इस ग्लास को नीचे की तरफ खींचती है वेट फोर्स के जरिए। मैं क्या करता हूं कि मैं इस ग्लास के ऊपर फोर्स लगाता हूं और इस ग्लास को मैं यहां तक लेके आता हूं, ठीक है। मैं जब इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये सर्टन हाइट h कवर करेगा, यहां से लेकर यहां तक हाइट जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, और मैंने जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की वो बेसिकली बराबर थी वेट फोर्स के, और वेट फोर्स किस चीज के बराबर है, mg। जितना फोर्स जमीन इसके ऊपर नीचे लगा रही थी मैंने उसके बराबर फोर्स जो है या उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स जो है इसके ऊपर लगाया ताकि मैं इसको कहां पे लेके जाऊं, ऊपर की तरफ लेके जाऊं। जमीन इसको नीचे की तरफ खींच रही थी, मैं इसको कहां पे लेके जा रहा था, ऊपर लेके जा रहा था। तो मैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था, और वो वर्क जो है वो इस बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से निकालेंगे कि हमें पता है कि वर्क बराबर है एफ डॉट एस के, लेकिन यहां पे एस की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, एफ डॉट एच। तो W इज इक्वल टू F किस चीज के बराबर है, एम जी के, तो W इज इक्वल टू एम जी एच, क्योंकि यहाँ पे वर्क जो है वो एक बॉडी के ऊपर जो मैंने किया है वो यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। तो पोटेंशियल एनर्जी तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। एक बॉडी अगर बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, बशर्त ये कि ग्रेविटी क्या हो, कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो। फिर अगर आपके पास बॉडी की मास ज्यादा है तो दोनों पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखो, फिर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और एक दो क्वेश्चन इसमें इस तरीके से भी आ सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी का एक पॉइंट के ऊपर जो है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो, तो आप उसको समझाओगे कि यस ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एक गिलास को अलमारी में रखूंगा तो अगर मैं रेफरेंस पॉइंट अर्थ लूंगा तो अर्थ के हिसाब से इस गिलास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक गिलास अलमारी के ऊपर पड़ा है ऊपर, तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ अगर मैं ले लूँ तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन अगर विद रिस्पेक्ट टू अलमारी मैं ले लूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, अलमारी के हिसाब से इसका हाइट क्या है, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के एम जी एन टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी, जीरो। तो एक जब मैं रेफरेंस पॉइंट चेंज करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या चीज आ जाती है, चेंज। इसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चार्जेस के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है, चार्जेस। अगर आपके पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों तो सेम चार्जेस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे।
आप इस चार्ज को मूव कर रहे हो इस चार्ज की डायरेक्शन में, ये उसको रिपेल भी कर रहा है, फिर भी आप इसको मूव कर रहे हो, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आप मूव कर रहे हो, तो आप इसके ऊपर क्या करोगे, वर्क करोगे, वो वर्क इसमें स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देन वर्क इज सेड टू बी डन ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, दिस वर्क विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द चार्ज। अब इसके बाद लास्ट वन जो है वो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, आपके कोर्स में ये वाली एक्सप्लेनेशन है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, अगर आपके पास एक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी है, जैसा कि स्प्रिंग है, आप इस स्प्रिंग को क्या करते हो, स्ट्रेच करते हो, इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग जो है वो जिस पोजीशन के ऊपर पहले था उससे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो स्प्रिंग के अंदर जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, जो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया है, दोनों मिलके इसके ऊपर वर्क करेंगे और वो वर्क जो है वो स्प्रिंग में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।